बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश वॉकेबलरी प्रैक्टिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे सारे वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बेसिक बेसिक लेवल के वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को नहीं आते। तो इसके लिए मैंने आज की इस वीडियो में ऐसे सोचा कि क्यों ना मेरे बच्चों को मैं आज ये सारे वर्ड सिखाऊं जो बहुत बेसिक लेवल के हैं, जो आपको नहीं आते हैं और जो आपके इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और स्कूल लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पते होने ही चाहिए, वरना आपका लेवल जो है इंग्लिश में वो काफ़ी नीचे हो सकता है। तो चलिए सीख सीख लेते हैं। तो पहला हमारा जो वर्ड है मूव, मूव का मतलब होता है हिलना। जैसे इसे यहाँ से हिलाओ, मूव दिस फ्रॉम हियर, गो, का मतलब होता है जाना। तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर, गो का मतलब जाना। यू कैन गो मतलब तुम जा सकते हो। ईट, का मतलब होता है खाना। जैसे मुझे वो खाना है, आई वॉन्ट टू ईट दैट, वॉन्ट टू का मतलब होता है कोई भी चीज जब आपको खुद करना है तब आपको वॉन्ट टू का यूज करना है। वॉक, का मतलब होता है चलना। जैसे तुम्हें सुबह चलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, ड्रिंक, का मतलब होता है पीना। जैसे मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर, वाटर का मतलब पानी। सी, मतलब देखना। जैसे वहां देखो, सी देयर। लुक, का मतलब भी होता है देखना, उसे देखो, लुक हिम, वॉच, का भी मतलब होता है देखना। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। वॉच के साथ ING फॉर्म लगी है क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, इसलिए आई एम वॉचिंग टीवी। राइट, का मतलब होता है लिखना, कोई भी चीजों को लिखना। जैसे मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, रीड, का मतलब होता है पढ़ना। जैसे वो किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, थिंक, का मतलब होता है सोचना। जैसे बहुत बार हम सोचते हैं अपने माइंड में, तुम क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग, अब यहां पर हम कुछ पूछ रहे हैं इसके लिए लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। स्पीक, का मतलब होता है बोलना। जैसे इंग्लिश बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, टॉक, का मतलब होता है बात करना, कोई भी बात करना। मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, गेटअप, का मतलब होता है उठना। जैसे हम सुबह सोए रहते हैं तब हम उठते हैं, उठ जाओ, प्लीज गेट अप, स्लीप, का मतलब होता है सोना। जैसे वो सो जाएगा, ही विल स्लीप, स्टैंड, का मतलब होता है खड़े होना, बच्चे खड़े हो गए, चिल्ड्रन स्टूड, सीट,
सीट का मतलब होता है बैठना, वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो, प्लीज गो एंड सीट देयर, प्लीज गो एंड सीट देयर। कम, कम का मतलब होता है आना, जैसे वो यहां आएगा, वो यहां आएगा, ही विल कम हियर, ही विल कम हियर। लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, जैसे वो हंस रहा था, वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज लाफिंग। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, कोई भी बातों को, कोई भी कामों को सीखना, उसे भी सीखना है, उसे भी सीखना है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न। ऑल्सो का मतलब होता है भी। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसे वो मुझसे पूछ रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग टू मी, ही वॉज आस्किंग टू मी। से का मतलब होता है कहना, जैसे वो मुझसे कहने वाला है, वो मुझसे कहने वाला है, ही इज अबाउट टू से मी, ही इज अबाउट टू से मी। टेल, टेल का मतलब होता है बताना, बताना, वो मुझे बताने वाला था, वो मुझे बताने वाला था, ही वॉज अबाउट टू टेल मी, ही वॉज अबाउट टू टेल मी। जब आपको कोई भी काम करने वाला था या करने वाला है, तब आपको इज एम आर या फिर वॉज अबाउट टू का यूज करना ही है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे बहुत बेसिक लेवल के वर्ड्स मीनिंग, जो आपको जरूर पता होने चाहिए। इतना तो आपको जरूर पता होना ही चाहिए, चाहे आपको ये रटना पड़े, चाहे आपको सीखना पड़े, आप सीखो या फिर रटो, आपको ये आना चाहिए। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज।